झूठलार जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिसके पास बातों का किस्सा है, जिसका ना तो बुढ़ापा है और न जवानी, जो हर बार लेके आता है एक नई कहानी। जी हाँ, लेकिन इस बार की कहानी कुछ खास है। ऐसी हर कहानी आपके शहर, आपके गांव और आपके आसपास है। कहानी है बंटू। जी हाँ, बंटू। बंटू देखने में है सुंदर और पढ़ने में है होशियार, सबका चहेता, सब करते हैं इससे प्यार, लेकिन बंटू तो किसी और का था दीवाना। निधि, निधि था उसका नाम, जिससे वो करता था प्रेम और बाद में गाया गाना। वहां जहां सास नहीं थी,
जेठ पति ससुर सबको संभालते संभालते पूरे घर को सजाते संवारते खुद सजना संवारना भूल गई। पहले उसने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उल्टे बंटू की हालत खराब हो गई थी, उसे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वही डॉक्टरों को दिखाया, दिन बीतते गए डॉक्टर बदलते गए, लेकिन बंटू की बीमारी जस की तस बनी रही। और फिर एक दिन, अरे निधि, अरे कहाँ हो भाई? डॉक्टर ने ये कागज दिए हैं और कहा इसे अस्पताल लेकर जाना है। अच्छा, अरे हाँ, और खाना मत बनाना, प्रधान के यहाँ पर भंडारा है, हम सभी को वही जाना है, तुम्हें भी जाना है, ठीक है ना? मैं अपने पति के लिए लड़ूंगी।
सर, और ऐसे लोगों का तो भगवान भी साथ देता है। अंधेरे में रोशनी की एक किरण कहीं ना कहीं से दिखी जाती है। ठीक ऐसी हालत में उम्मीद की एक किरण लेके आया है ठाकुर साहब का एक रिश्तेदार। लेकिन चाचा जी बंटू है कहाँ? हाँ वो अंदर कमरे में सो रहा है। अभी सोने का टाइम है, अभी जवाब बताता हूँ मैं है बंटू बस के चुटकी। क्या हुआ चाचा, कोई परेशानी है बताइए। देखो ऐसा है, वो उसे छूत की बीमारी है, तुम्हें भी लग जाएगी। वो उसे क्या कहते हैं, वो गंभीर बीमारी, एक बार जिसको हो जाए उसकी मौत पक्की। अरे चाचा समझता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ आज के समय में कोई भी बीमारी नहीं रही। ये तो बिल्कुल डायबिटीज की तरह है, दवा खा ले रहा हूँ, ठीक रहो, ट्रीटमेंट होता रहे चाचा। लेकिन ऐसा डॉक्टर का बने गाँव में जाना रहता है चाचा जी, ऐसा ही एक क्लिनिक खुला है हमारे गाँव में जो ट्रीट करता है एक ऐसा संस्थान जो पिछले कई वर्षों से एड्स की रोकथाम में लगा हुआ है। इस संस्थान की बदौलत एड्स के कई मरीज आज अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। जहाँ सबने उम्मीदें छोड़ दी थी वहाँ ये संस्थान इनके लिए उम्मीद की किरण बन के आया है। और किसी हालत में ठाकुर साहब उम्मीद की रोशनी तलाशते तलाशते पहुंच गए हैं आर के एच आई वी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर। I'll just train you. I mean, one sheet in between. This is the sheet.
which have been received. It is very much possible. अरे आप क्या फायदा? ना तो बच्चे पैदा कर सके, ना बीवी को सुख दे सके, ऐसे जीने का क्या फायदा? आपको ना होने की कोई जरूरत नहीं है। देश के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी गैर सरकारी निजी संस्थाओं अस्पतालों के माध्यम से HIV एड्स की चिकित्सा के लिए अब भी पर्याप्त किए हैं। नवीनतम उपचारों में तरक्की हुई है और ये सब खर्च का खर्चों पर उपलब्ध है। ऐसी ही संस्था के एक शामिल है आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, जहां पर आपका बेटा ट्रीटमेंट लेने के बाद अपनी पत्नी को सुख दे सकता है और तो बच्चे का सुख दे सकता है। अगर पत्नी और पति दोनों HIV एड्स हो गए पॉजिटिव है तो बच्चा नेगेटिव हो सकता है। फिर ऐसा हुआ डॉक्टर साहब तो हम आपको भगवान की तरह पूज रहे हैं। मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिएगा। अगर हो सके तो लोगों ने जागरूकता पैदा आपको बुलाएंगे। ये बताइए कि ये संक्रामक रोग नहीं है, एक दूसरे से ये रोग नहीं फैलता है। चाहे आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, एक ही तौलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही गिलास से पानी पी रहे हैं, एक ही थाली के अंदर आप खाना खा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और के अगर आप एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी नहीं हो सकती। मच्छर के काटने से भी ये बीमारी नहीं हो सकती। पर लोगों का मानना है कि ये जानलेवा बीमारी है, और अगर आप लगातार डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन खाते हैं तो आप एक ला उम्र एक जिंदगी जी सकते हैं। पर हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेफ कीजिएगा, प्रिकॉशन लीजिएगा, डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बाल काटने के लिए नहीं करवा चाहते हैं तो ये ख्याल कीजिएगा कि वो पुराना ब्लेड इस्तेमाल नहीं कर रहा। HIV/AIDS का मरीज आप ही सब परिवार का एक सदस्य है, उसका सहयोग कीजिएगा, उसको दुतारवा दीजिएगा, उसमें जीने का जज्बा जगाइएगा, पैदा कीजिएगा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और हाँ, मैं ये कहना जरूर कहूंगा कि एड्स के बाद भी है जिंदगी। तो देखा आपने कैसे जहां सबने उम्मीदें छोड़ दी थी वहां आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर सबके लिए एक उम्मीद की किरण बन के आया। आज बंटू खुशहाल है, अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीएंगे अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीएंगे अंदाज दिखा देंगे अंदाज। Respected मंच के सामने बैठे सभी आगंतुक को हमारे तरफ से विशेष बधाई है कि हमारे प्रोग्राम में आने की कोशिश में। RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर 1998 में एक गुजरात के हादसे के बाद उस डॉक्टरों के टीम की मदद से बॉम्बे में हमने स्टार्ट किया।
मैं एक छोटा ये सुनाना चाहूँगा कि 1998 में जिस वक्त मैं रिलायंस रिफाइनरी का चीफ मेडिकल अध्यक्ष हुआ करता था, उस वक्त मैं रिफाइनरी से घर के लिए जा रहा था, उस वक्त हमारे सामने एक देखने का हादसा मिला कि कुछ लोग मिलकर के एक विधवा को मार रहे थे। मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुआ कि मैं जानने की कोशिश की कि आखिर क्या, बहुत खूबसूरत औरत दिख रही है लेकिन कुछ लोग बिना सोचे समझे मारे जा रहे हैं। तो मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या क्या हुआ। लोकल लोग थे, गुजराती लोग थे, उनको लगा कि ये हैंडसम लड़का है, इसको भी इसका खून लग जाएगा, ये भी HIV इंफेक्टेड हो जाएगा, इसको सेव करो। तो उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में बोला कि बाजू फेंक जाना तो तुम भी HIV इंफेक्टेड हो जाओ। जबकि उनको पता था कि हमारे गाड़ी के ऊपर प्लस का लोगो था, मैं डॉक्टर है, मैं मेडिकल का कुछ तो कुछ हो सकता हूँ। ये बिना जाने हुए लोगों ने मुझे शाइड किया और देखते देखते कुछ मिनट के अंदर ही उसको इतना मारा कि सिवर जाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं नेक्स्ट डे जामनगर में MP शाह मेडिकल कॉलेज, जहाँ के हमारे सारे रिलायंस के पेशेंट्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे, वहाँ के मैं प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, डीन से मिलकर के बातें की कि इस तरह की हादसाएँ कैसे हम लोग रोक सकें, कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव है। फिर हमने स्पेशली कुछ फंड इकट्ठा करके रिलायंस के साथ साथ इवेरियन ग्रुप हॉस्पिटल एंड MP शाह मदद डॉक्टरों की मदद से हमने रिसर्च कराने की शुरुआत की। एंड हमने कोशिश किया कि आज के बाद किसी ऐसे महिला को हम जागरूकता के अभाव में मारने नहीं देंगे। एंड ये मैंने 14 दिसंबर 1998 को इस आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की स्थापना की, जो सिलसिला आज वहाँ से शुरू हुआ। एंड आज 2014 तक हम लेकर के आए हैं। इस बीच में हमने काफ़ी सारे काम किए, इसमें एक दिन में 55,000 पेशेंट लेकर के एक विश्व में अपना एक अहम योगदान हमने संसार को दिया कि एक दिन में 55,000 पेशेंट लेकर के, जो कि अभी तक किसी ने नहीं देखा था। अपने डॉक्टरों की टीम से हमने बॉम्बे में 55,000 पेशेंट लेकर के अपना एक रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा हमने हिंदुस्तान में पहली बार जिस औरत को लोगों ने मार दिया है, उस औरत को अत्याचार को देखते हुए हमने एक HIV इन्फेक्टेड एक सेंटर की स्थापना की, जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ HIV गर्ल्स चाइल्ड को हमने अडॉप्ट करने का काम शुरू किया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अक्सर देखा गया है कि लड़का कैसा भी हो, लोग उसको थोड़ा सा ये रखते हैं कि चलो है, देखा जाएगा। बट लड़की हो, एक तो शादी का बहुत बड़ा मसला आता है, और वो भी उस लड़की को जिसको HIV इन्फेक्टेड हो जाए, उसकी ज़िंदगी कहाँ जा सकती है। आज तो बड़ी अच्छी अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारी मेडिसिन आ गई है, जिसके चलते हम लोग किसी को मरना नहीं दे सकते हैं। उसके लाइफ की हर चीज़ें देने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। आज हमारे पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतने अच्छे आ गए हैं कि हम एक कपल को ट्रीटमेंट से वायरल लोड को ऑलमोस्ट जीरो लेवल पर ला करके उसको नॉर्मल हम रिलेशनशिप के लिए हम प्लान करते हैं, और नॉर्मल रिलेशन के बाद नॉर्मल बेबी कंसीव करने का हम प्लान करते हैं। एंड अल्टीमेटली वो कपल, वो औरत एक बेबी कंसीव करके 9 महीने के बाद एक निगेटिव बेबी डिलीवर करने में अपने आप को सक्षम हो जाती है। ये कहीं ना कहीं आज हमारा रिसर्च, आज कहीं ना कहीं हमारे ट्रीटमेंट की योगदान है कि बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज हिंदुस्तान में तकरीबन 3.5 सालों में हमारी टीम ने तकरीबन 86 ऐसे HIV कपल्स, अगर कभी एक साइड से औरत अगर पॉजिटिव हो, मेल पॉजिटिव नहीं हो, आइदर मेल पॉजिटिव है एंड फीमेल निगेटिव है, इस सूरत हाल में आइदर दोनों ही पॉजिटिव हैं, उस सूरत हाल में हम गवर्नमेंट की मदद से
हमारे रिसर्च की मदद से, हमारे आर्केचर गेट्स रिसर्च इंडिया टीम की मदद से हम उनके वायरल लोड को हम देखते हैं एंड हम ट्रीटमेंट की बदौलत उसके वायरल लोड को ऑलमोस्ट जीरो लेवल पर ला करके उसको कहने के हम एक नेगेटिव वे देने में अभी तक हमारी टीम कामयाब रही है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अब के बाद कोई भी अगर HIV पेशेंट अगर आपके इर्द गिर्द फैमिली रिलेशन फ्रेंड्स में अगर हो तो उसे अनदेखा ना करें, उनको सपोर्ट दें। आज आरके के साथ साथ गर्मे के तमाम ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी इसकी सुविधा आ चुकी है और आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े जल्द ही हर हॉस्पिटल में, हिंदुस्तान के सारे हॉस्पिटलों में ये सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो जिस चीज़ से हम इतना भेदभाव रखते थे उसे अब भेदभाव रखने की ज़रूरत नहीं है। भेदभाव इसलिए रखते थे कि कहीं ना कहीं जागरूकता की अभाव थी, हमारे अंदर जानकारी नहीं थी, लोग डरते थे कि छू दिया तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और इन्फेक्टेड हो जाने के अंदर मौत, जैसे कि हमारे प्ले में दिखलाया गया। तो वो अब मौत नहीं है। हर कोई चीज़ बड़ी रोग जानकारी के अभाव में, ट्रीटमेंट के अभाव में एक बहुत बड़ा अभिशाप बन करके पैदा होता है। लेकिन ट्रीटमेंट आ जाने के बाद फिर रिसर्च एलोपैथिक बहुत बड़ा, मैं ये मानूंगा कि इसमें रिसर्च इतनी तरीके के है एंड सारे डॉक्टर्स कोऑपरेटिव होते हैं, टीम कोऑपरेटिव होती है, गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव होते हैं, WHO भी कोऑपरेटिव होता है, जिसकी मदद से आज हम लोग उस मुकाम तक जाते हैं कि कुछ समय के बाद हम उसके ऊपर कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं एंड उन रोग से जो लोग मरते हैं उसे मरने से हम लोग रोकने का काम करते हैं। तो वो तब हम सक्षम होंगे जब कहीं ना कहीं आप लोगों के इर्द गिर्द इतने इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, आप लोग कोऑपरेट करके उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या हमारे आरके तक लेके आने में सक्षम होंगे। तो हमारे अंदर कितना भी स्किल हो, हम कितना भी जागरूक हों, कितना भी अच्छे डॉक्टर हों, लेकिन हमारे तक पेशेंट नहीं आएगा तो हम भगवान दया नहीं थे, हम देख करके उसके ट्रीटमेंट याद भेज दें। तो आज हमारे अवेयर सोसाइटी की जरूरत है, जागरूक सोसाइटी की जरूरत है, ताकि हम उसे बिना भेदभाव किए हुए उनको हम एजुकेट करें, मदद करें, मदद के बाद उनको हम RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर दिल्ली में एम्स है, सफदरजंग है, आरमेल है, ऐसे तमाम बड़े जगहों पे इसकी सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो आप उनको सपोर्ट दे करके वहाँ ले जाने की कोशिश करें एंड मैं आपको दावा करता हूँ कि हमारे इतने सारे कुशल डॉक्टर एजुकेटेड हो गए हैं इस क्षेत्र में कि एक बार आ जाने के बाद से और पेशेंट अगर ट्रीटमेंट लेने में अगर रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है तो हम उसके इस जिंदगी में एक दिन भी जमराज को बोल करके हम उसको मरने नहीं देंगे। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें, मदद करें कि आज के बाद हम किसी HIV मरीज को मरने नहीं देंगे। That's good. हमारी हॉटलाइन है, हमारे साइट पे तकरीबन 200 से ज्यादा हमने वीडियोस बनाए हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, क्या मॉलिक्यूल देते हैं और कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं, अगर हम बेबी प्लान करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लाइफ सस्टेन करने में हम कैसे करते हैं, हमारा रिसर्च के बाद हमने क्या लाया है कि कैसे करते हैं, क्योंकि एलोपैथिक ऐसी चीज़ है कि बहुत लॉजिकली बहुत परफेक्ट है, आपको दिखता है 2+2=4 होता है। तो ये एलोपैथी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रूव करके देता है कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम तभी कामयाब होंगे जब आप लोग साथ में रहेंगे। तो प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम आज के बाद किसी ऐसे HIV पेशेंट को हम उस नज़र पर नहीं देखें और सपोर्ट करें और उसकी ज़िंदगी को सही सलामत ज़िंदगी गुजारने में हम अपना हाथ आगे बढ़ा करके उसको करें। थैंक यू, धन्यवाद।